दबंगाई का आलम देखना हो तो एमपी आइए, यहाँ दबंग लोग कैसे कमजोरों को पीटते हैं इसकी बानगी देखिए। तस्वीरें आई हैं छतरपुर से, यहाँ दबंगों की पिटाई के शिकार शख्स की गलती बस इतनी थी कि उसने सरकारी राशन की दुकान से जल्दी राशन देने को कहा था, बस यही बात इन लोगों को नागवार गुजरी और फिर इन लोगों ने मिलकर एक असहाय शख्स को पीट दिया। पिटाई का वीडियो जब वायरल हुआ तो फिर पुलिस की नींद खुली। पुलिस ने आनन फानन में 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। छतरपुर जिले के थाना बाजना अंतर्गत गांव मझौरा है, जहां पे एक घटना सामने आई है जिसमें 9 तारीख को एक मारपीट कमलेश यादव जो फरियादी है उनके साथ 6 लोगों के द्वारा की गई। इसमें सभी के विरुद्ध FIR कर ली गई है, सभी को राउंडअप किया जा रहा है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इनका जो विवाद है अभी तक सामने आया है, PDS की जो दुकान होती है उसमें जो राशन वितरण होता है उसको लेके आपस में कुछ बहस हुई और फिर ये जो विवाद है आगे बढ़ता चला गया। ये पूरा मामला छतरपुर के मझौरा गांव का है। बताया जा रहा है कि यहाँ के सरकारी राशन की दुकान पर आदतन अपराधी हाकिम सिंह बैठा था। वहाँ जब पीड़ित कमलेश यादव राशन लेने पहुंचा तो कमलेश ने जरा जल्दी ही राशन देने की बात कही। इसी से नाराज हाकिम सिंह अपने साथियों के साथ कमलेश को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वहां मौजूद किसी शख्स ने पिटाई का वीडियो वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी नीमच में दबंगों ने चोरी के शक में एक आदिवासी शख्स को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से राज्य की कानून व्यवस्था विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट, MP तक।